चलेया बादशाह का ध्यान ढले हर संकट को दूर भगाने काम एक ही आता तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा कितने चोर लगा के दाव सोचते लुट ले सारा गाँव गावन लुटता धावन छुटता क्यों हो ऐसा कोई न जानता अकल लगा के जादू करता चुप कर कोई अकेला तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा कहीं हो तेनाली है हर कोई इंसान यही है कहता तेनाली है जी तेनाली है तेनाली है तेनाली है कोई भी इंसान जब हो परेशा कोई भी इंसान जब हो परेशा नाम एक ही लेता तेनाली रामा कई साल पहले भारत के दक्षिण भाग में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस विजयनगर में कृष्णदेवराय नाम के राजा का राज था। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली राम नाम का एक रत्न था। ये तेनाली राम अपने वाक चातुर्य और बुद्धि चातुर्य के कारण सिर्फ विजयनगर में ही नहीं पर विदेश में भी सुप्रसिद्ध थे। गांव का नाम था तेनाली और नाम रामन होने के कारण विजयनगर के लोग उन्हें तेनाली राम के नाम से जानते थे। तो ऐसे ये तेनाली राम एक दिन राजा कृष्णदेव राय के राज्य की ख्याति सुनकर तेनाली गांव से विजयनगर में दाखिल हुए। राजा कृष्णदेव राय के राजपुरोहित और उनके चेले कोटैया को देखकर तेनालीराम उनसे मिले और बोले कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 नमस्कार राजपुरोहित जी नमस्कार नमस्कार हरे कृष्ण 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 हरे हरे मैं रामन तेनाली से आया हूँ। हाँ, तो क्या? मुझे राजा कृष्णदेव की सेवा करने की बहुत ही इच्छा है, तो आप मुझे उनके दरबार में प्रवेश दिला सकेंगे क्या?
जीवन के 25 साल शिक्षा प्राप्त की, तपस्या की, तब जाकर महाराज के दरबार में मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मेरे जैसे ऐसे ही साधना करने वाले सैकड़ों लोग हैं, पर उन्हें आज तक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ नहीं है। पर तुम कौन हो भाई कि महाराजा तुम्हें अवसर दें? हैं? तुम्हारा नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है। अब मैं जानता हूं कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात करता हूं, पर आप इतने श्रेष्ठ विद्वान, वो भी महाराज के मन पसंद, सोचा देखता हूं आपसे पूछकर, आखिर आपके सिवा मुझे ही नहीं किसी को भी दरबार में प्रवेश करना कैसे संभव हो सकता है? तो फिर सुनिए, आपने मन पर लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजपुरोहित जी, इसे राज दरबार में बुलवा ले। मब, हाँ हाँ ठीक है, और तुम्हारा जो कुछ है वो राज दरबार में ही देखेंगे। चलिए राजपुरोहित जी। चलो चलो। अरे अब ये तो यहाँ हाथ हमका, इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर मुझे ही महंगा पड़ जाएगा ये। राजपुरोहित जी, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, कोई है क्या वहाँ? जी हुजूर, क्या काम है? हाँ? हाँ? देखो वो दुबला पतला मनुष्य जो राजमहल को देखता हुआ यहाँ आ रहा है, उसे राजमहल में आने मत देना, मुझे तो वो चोर लगता है। जैसी आपकी आज्ञा। तेनाली राजमहल के प्रवेश द्वार पर आकर उसी सेवक से कहने लगे, मैं रामन तेनाली से आया हूँ। अरे अरे, इस तरफ मार क्यों रहे हो? मुझे राजपुरोहित ने मिलने के लिए बुलाया है। ऐसा क्या? हाँ, तो मुझे भी राजपुरोहित ने ही आपको निकाल बाहर करने को कहा है। चलो चलते बनो। लेकिन और कहीं के बात तो सुनिए। चलो चलते बनो, चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, देखिए आप राजपुरोहित को पूछिए। इस तरह तेनाली राम को किसी भी प्रकार राज दरबार में प्रवेश नहीं मिला, तो भी तेनाली राम निराश नहीं हुए। वे कई दिनों तक विजयनगर में भटकते रहे। एक दिन सवेरे सवेरे तेनाली राम को राज पुरोहित नदी किनारे स्नान करते हुए दिखाई दिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना सुंदर अवसर मिला है। वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजपुरोहित जी, अपने वस्त्र कहाँ हैं? अरे पर मैंने तो यहीं रखे थे, तो किसने लिए वो? वस्त्र मेरे पास ही है राज पुरोहित जी। अरे अब तुम यहाँ पर? अरे मूर्ख, हमारे वस्त्र क्यों ले लिए? दे दो मुझे। हाँ हाँ दे तो रहा हूँ। दे दो। पर उसके लिए आपको मुझे कंधे पर बिठाकर राज दरबार ले जाना होगा। तभी आप वस्त्र धारण कर सकेंगे राज पुरोहित जी, है मंजूर? राज पुरोहित जी, राज पुरोहित जी, चुप रहो, चुप। जरा संभाल कर राज पुरोहित जी। चुप रहो। मैंने क्या किया है?
अरे देखो भाई, तो देखो राजपुरोहित जी को देखो, और ये कंधे पे किसको बिठा के ले जा रहे हैं? एक आदमी को कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं। कितना मजेदार है ये दृश्य। तेनाली राम की शर्त कबूल करने के सिवा राजपुरोहित के पास और कोई पर्याय ही नहीं था। ये सब क्या है? ये तो अपने राज पुरोहित, और ये कौन है जो उनका मजाक उड़ा रहा है? अरे कौन है वहां? क्या आ गया है महाराज? अरे तुम कोई नए ही लग रहे हो। जी, मैं सेनापति श्री संत का पुत्र श्रीवर्धन, आज ही आपकी सेवा में लगा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, कोई ठग अपने राज पुरोहित के कंधे पर बैठ गया है, उसे नीचे उतारकर उसकी अच्छी तरह पिटाई करो और राज पुरोहित को सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा कृष्णदेव राय को गुस्से से अपने सेवक को कुछ कहते हुए देखकर तेनाली राम ने राज पुरोहित के कंधे से नीचे उतरकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए राज पुरोहित जी, मुझसे भूल हो गई। अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करना गलत बात है। इस भूल के प्रायश्चित रूप अब मैं आपको कंधे पर बिठाता हूँ और समग्र नगर में घुमाता हूँ। राज पुरोहित जी, आइए। ऐसा बोलते हुए तेनाली राम ने राज पुरोहित को कंधे पर बिठाया और जिस ओर से सेवक आ रहा था उसी ओर तेनाली राम ने चलना शुरू किया। ए, चल नीचे उतर। अब कौन है रे तू, और मुझे ही नीचे उतरने को कह रहे हो? राज पुरोहित जी, शायद वो मुझे ऊपर बैठने को कहेगा। चल। मैं कौन हूँ वो अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अरे अरे अरे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं राज पुरोहित हूँ, मार रही है तो इसे मारो, इसे। अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखा राज पुरोहित जी, आपके सामने झूठ बोल रहा है ये ठग। आइए आइए राज पुरोहित जी, हम दरबार में चलते हैं। हाँ चलो। हमारे कौन हो तुम, और राज पुरोहित के बदले तुम कैसे यहाँ आ गए? बहुत चतुर लगते हो, अच्छा सबक सिखाना होगा तुम्हें। महाराज, मैं तेनाली गांव का रामन हूँ। उसके बाद अब तक की सारी बातें बताकर तेनाली ने कहा, महाराज, मैंने अभी आपसे जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। अब आप मुझे जो भी सजा देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तेनाली राम की बुद्धि, विनम्रता और निर्भयता को देखकर राजा अति प्रभावित हुए और बोले, वाह तेनाली राम, बहुत ही होशियार हो, तुम्हारे जैसे मनुष्य की हमें बहुत ही आवश्यकता है, तुम अब यही रहना। आज मैं धन्य हो गया, मेरा स्वप्न साकार हो गया महाराज। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के भरे दरबार में रामैया नाम का गुलाम दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज मुझे मेरे मालिक से बचा लीजिए। अरे पर ऐसा हुआ क्या है? मुझे मेरे मालिक ने फंसाया है महाराज। कल दोपहर मैं और मेरे मालिक खरीदारी के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। मालिक, इस वक्त धूप या बारिश कुछ भी नहीं है, तो छतरी बंद करूं मैं? मूर्ख, मालिक हूं ना मैं तेरा,
तो रहने दो ना छतरी। ठीक है रहने दीजिए, शायद बारिश होगी ऐसा लगता है ना। छतरी का कोई भरोसा नहीं लगता है, हम कहीं पर आसरा ढूंढते हैं। हाँ हाँ चल, देख वहाँ मंदिर दिखाई देता है। मालिक आज तो बारिश रुकने के आसार नजर ही नहीं आते हैं। अच्छा हुआ कि ये मंदिर मुझे दिखाई दिया, तभी तो हम बच गए। जी जी मालिक, देखिए यहाँ एक बटुआ पड़ा है। खोलो खोलो, देखते हैं उसमें क्या है। जी खोल रहा हूँ। मालिक ये तो हीरे लगते हैं। ये तो मंदिर के हीरे हैं मालिक, चलिए हम इसे सरकारी तिजोरी में जमा करवाते हैं। नहीं नहीं हाँ, अरे कितने कीमती हीरे हैं ये, तू और मैं आधे आधे बांट लेंगे तो भी अगली चार पीढ़ी आराम से खा सकेंगी। ऐसी बात है हाँ। तो बांट लेते हैं आधे आधे। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कोई यहाँ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हाँ। हम घर पहुँच कर बांटेंगे। ठीक है ऐसा ही करते हैं। वो बटुआ मुझे दे दो। अरे पर रहने दीजिए ना मेरे पास। अरे मेरी जेब में रखता हूँ, सुरक्षित रहेगा। हाँ, हाँ, पर ठीक से रखिएगा। अरे रखता हूँ ना, चल। हाँ, चलिए चलिए। महाराज मेरे मालिक ने हीरे लिए, पर घर पहुँचते ही उन्होंने हीरे देने से मना कर दिया मुझे। अपने स्वार्थ के लिए मैंने उनकी बात तो सुनी, पर सच पूछो तो मेरा ही नुकसान हुआ। ठीक है, तुम्हारा क्या करना है वो तुम्हारे मालिक के आने के बाद ही देखेंगे। ले आओ उसके मालिक को। कुछ ही देर के बाद रामैया का मालिक आ पहुंचा। राजा ने मंदिर से मिले हीरों के बारे में पूछा तो रामैया के मालिक ने कहा, महाराज परमेश्वर की कृपा से मेरा सब कुछ सही चल रहा है, जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं है, मुझे उन हीरों की क्या जरूरत। मंदिर से मिले हीरे मैंने इस रामैया को देकर राजकोष में जमा करवाने के लिए भिजवाए थे, पर मुझे हीरे जमा करवाने की रसीद दिखाने के बजाय वो आपके पास आया, इसी ने हीरे हड़प लिए हैं। महाराज इसे कड़ी सजा दीजिए। बात कठिन है, तुम दोनों सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, ये तुम्हारी बातों से कैसे तय हो सकता है, इसका सबूत क्या है? महाराज मेरे घर पर और दो नौकर हैं, महाराज उनके सामने ही मैंने रामैया को हीरे दिए थे, चाहो तो उन्हें पूछ लीजिए। ठीक है बुलाओ उन्हें। राजा के हुक्म अनुसार रामैया के मालिक के और दो नौकर दरबार में आए और बोले, जी महाराज हमारे सामने ही मालिक ने रामैया को हीरे दिए थे और उसे सरकारी तिजोरी में जमा करवाने को कहा। महाराज ये झूठ बोल रहे हैं, मालिक ने उन्हें पहले से ही ऐसा सिखा के रखा है, मेरे पास तो कोई भी सबूत नहीं है, अब भगवान ही देखेगा इनको। अब महाराज अब मुझे तो ये रामैया ही चोर लगता है। जी महाराज सेठ जी की ओर से तो दो साक्षी हैं। महाराज कुछ देर के लिए आप महल में पधारिए, मुझे आपके साथ एकांत में कुछ बातें करनी है। ठीक है। महाराज ये मामला उलझन भरा है। रामैया का मालिक दो साक्षी तो लाया है, फिर भी वो उसी के नौकर है। अपने मालिक के विरुद्ध कुछ कहना यानी अपने ही पेट पर लात मारने जैसी बात हुई ना। तुम्हारी बात सही है, पर अब इसका क्या किया जाए। हाँ एक काम करते हैं। अब सिपाही। जी मालिक। रामैया के मालिक को यहां ले आओ। जी।
जी महाराज। सेठ जी, आपने रामैया को जो हीरे दिए वो कैसे दिए और वो कौन से रंग के थे? महाराज जी, वो हीरे बिल्कुल सफेद रंग के थे, पर वो मैंने उसे मखमल के लाल रंग के बटुए में बंद करके दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब यहाँ चुप्पी साधे खड़े रहिए, बीच में कुछ भी बोलना मत। सिपाही जी, इनके एक साक्षी को बुलाओ। जी। जी महाराज। तुम्हारे मालिक ने रामैया को जो हीरे दिए वो कैसे दिए और वो कौन से रंग के थे? वो हीरे वो हाँ, वो हीरे लाल रंग के थे महाराज, और मालिक ने सारे के सारे हीरे रामू के हाथ में रखे थे। ठीक है, तुम भी इनके साथ चुप्पी साधे खड़े रहो। जी महाराज। अब दूसरे साक्षी को बुलाओ। जी महाराज, मुझे बुलाया। तुम्हारे मालिक ने जो हीरे रामैया को दिए उसका रंग क्या था? वो हीरे रंग बिरंगे थे महाराज, ये लाल सफेद नीले हरे। झूठ बोल रहे हो तुम तीनों। वो हीरे सेठ नहीं चोरी किए हैं, तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने रामैया के मालिक और उनके नौकरों को सजा दी। और रामैया को उसकी प्रामाणिकता के बदले में और तेनाली राम को बुद्धि चातुर्य के बदले में बख्शीश दी गई। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मनुष्य स्वभाव के बारे में चर्चा चल रही थी। तभी किसी ने कहा, महाराज, मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल कुत्ते की दुम जैसा ही होता है। कुत्ते की दुम जैसे कभी सीधी नहीं होती है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी कभी बदलता नहीं है। अब कौन कहता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती? अपने राज्य में असंभव क्या है महाराज? ये सुनकर राजा को मजाक करने का विचार आया। उन्होंने कहा, केवल चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है, हमें प्रत्यक्ष प्रयत्न करके देखना चाहिए। क्यों तेनाली? जी सही है महाराज, पर उसके लिए करना क्या होगा? दरबार के चार लोगों को 6 महीने के लिए कुत्ते के एक एक बच्चे को पालना होगा। इन 6 महीनों में उन कुत्ते के बच्चों की दुम सीधी करने का यत्न करना चाहिए, देखें सीधी होती है या नहीं। पर ये बच्चे पालेगा कौन महाराज? एक बच्चा अपना ये कौटेया पालेगा, एक बच्चा अपने पुरोहित जी पालेंगे, अब और एक बच्चा तेनाली राम को भी दीजिए। हाँ महाराज, ठीक है, एक बच्चे को तुम पालो तेनालीराम, और एक बच्चे को आप भी पालिए महाराज। हम हर स्तर पर प्रयत्न करके देखते हैं कि। ठीक है, मैं भी एक बच्चे को पालता हूँ। लकड़ी की पट्टी बांध दी। 6 महीने तक धूम बांध कर रखने के बाद समझेंगे सब कैसे दुम सीधी नहीं होती है वो। ये वजन बड़े बड़ों को उनका स्वभाव बदलने के लिए मजबूर करता है। तुम्हारी तो दुम है, सीधी ना होने से कैसे चलेगा?
अब अगर 6 महीनों में ये नली टेढ़ी नहीं हुई तो ये दुम अवश्य सीधी हो जाएगी। इस तरफ तेनालीराम कुत्ते के बच्चे को भूखा रखने लगा। बच्चा सिर्फ जीवित रह सके उतना ही खाना वो उसे देता था। इसके कारण ये बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। अरे ठहरो महाराज, 6 महीने इसकी दुम इसी तरह बांध कर रखी है, अब छोड़कर देखता हूँ कैसे सीधी नहीं होती है वो। हाँ, एक 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 रुको। अरे दुम बांधने से ही वो सीधी होती है ऐसा नहीं है, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने तो वजन ही बांध दिया है। इस वजन के कारण जो सीधा होता है वो टेढ़ा हो जाता है और जो टेढ़ा होता है वो सीधा हो जाता है महाराज। मैंने भी अपने हिसाब से प्रयोग किया है, पर जैसे तुम्हारे कुत्ते के बच्चों की दुम टेढ़ी हो गई, उसी तरह मेरे वाले बच्चे की दुम भी टेढ़ी ही रहेगी। पर महाराज, अब तेनाली राम वाला बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ, ला रहा हूँ महाराज। ये देखिए महाराज, मेरे वाले बच्चे की दुम बिल्कुल सीधी है, देखिए। पापा, पर ये बच्चा तो अधमरा लग रहा है महाराज। हाँ तेनाली, ये सब क्या है? महाराज, ये बच्चा मर न जाए इस बात का मैं रोज ख्याल रखता हूँ। इस बच्चे को जीने के लिए जरूरी हो इतनी ही खुराक मैं इसे दे रहा था। पर क्यों? क्योंकि मुझे इसके दुम को सीधा करना था। उसे पेट भर खाना न मिलने के कारण इसकी शक्ति कम हो गई। अब इतनी सी दुम को उठाने की भी शक्ति नहीं बची है इसके अंदर। पर इसका क्या अर्थ है? अर्थ क्यों नहीं है महाराज, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की इस दुम जैसा ही होता है। जब मनुष्य अत्यंत दुखी और जरूरतमंद होता है तब उनका स्वभाव इस दुम के जैसा सरल होता है। तब वो हमें बदला बदला सा लगेगा, पर फिर एक बार हालात सुधरने पर इस बच्चे की दुम जैसा ही टेढ़ा हो जाता है। तेनाली राम की ऐसी तर्क शुद्ध बात सुनकर महाराज अति आनंदित हो उठे और वे बोले, वाह तेनाली राम, कितने बुद्धिमान हो तुम, तुम्हारी चतुराई की कोई जोड़ ही नहीं। तेनाली राम की ख्याति दिन ब दिन सिर्फ विजयनगर में ही नहीं, विजयनगर के बाहर भी फैलती चली जा रही थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक असाधारण बुद्धिमान तेनाली राम नामक एक व्यक्ति है। ये बात समझने पर एक विद्वान तेनाली राम की कसौटी करने के लिए विजयनगर आए। राजपुरोहित जी, देखिए ये कोई विद्वान जैसे ही दिखाई देते हैं। माँ, अरे होंगे तो होने दो ना, हमें क्या करना है। ऐसा कैसे राजपुरोहित जी? अरे ये अगर आपसे भी श्रेष्ठ विद्वान होंगे, बिल्कुल तेनाली राम जैसे, तो आप कांटे से कांटा निकाल सकते हैं ना। कांटा? अरे यानी तेनाली राम को मात देनी है तो कोई विद्वान ही चाहिए ना। ठीक है। चलो, हम पूछताछ करते हैं। चलो। चलिए। अजी महोदय, नमस्कार। नमस्कार सर, अपनी पहचान तो बताइए। इस नगरी में नए लगते हैं आप। जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हाँ वो सब बताता हूँ मैं, पर पहले मुझे ये बताइए
कि ये तेनाली राम कौन है? कौन तेनाली राम? अरे वो तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं। भाई विद्वान तो मैं भी हूँ और वो भी बड़ा, पर वो तेनाली राम करता है क्या? अरे क्या चला रखा है तेनाली राम का, केवल महाराज के आगे पीछे घूमता है और दो चार वही की वही युक्तियाँ करता रहता है, फिर महाराज करते ही रहते हैं उसकी प्रशंसा। और कहते हैं क्या तो विद्वान। ठीक है ठीक है, हम उसकी सारी हवा निकाल देते हैं, केवल आप मुझे राज दरबार ले जाने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल राज पुरोहित जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। महाराज महाराज, ये विद्वान खास आप ही से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। प्रणाम महाराज। महाराज ये विद्वान पूरी 15 भाषा उत्तम प्रकार से जानते हैं और बोल भी लेते हैं। 15 भाषा? क्या बात कर रहे हो? जी महाराज, मैं 15 भाषा उत्तम प्रकार से जानता हूँ और आपके दरबार में अति ज्ञानी और विद्वान पंडित हैं। ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, हमारे दरबार में भी बहुत सारे विद्वान हैं। और मैं आपको भी दरबार में आश्रय दूंगा। जी महाराज, पर पहले मैं आपके दरबार के विद्वानों की एक छोटी सी कसौटी करूंगा। यदि इसमें वो उत्तीर्ण हुए तो ही मैं इस दरबार में आश्रय लूंगा। कैसी कसौटी विद्वान जी? राजगुरु जी, कसौटी लेने वाले हैं ये। महाराज अब मैं जानता हूँ, ऐसी अलग अलग 15 भाषा बोल के दिखाऊंगा। ये सुनकर मेरी मातृभाषा कौन सी है ये इस दरबार में से किसी एक ने भी पहचाना तो भी सारे विद्वान उत्तीर्ण हुए हैं ऐसा मैं समझूंगा। ठीक है, हमारे दरबार में अनेक विद्वान हैं, उनमें से कोई एक विद्वान अवश्य आपकी मातृभाषा पहचान लेंगे। आप शुरुआत करिए। राजा की अनुमति लेकर विद्वान ने तमिल, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, मराठी, उड़िया ऐसे पूरी 15 भाषा बोलकर सुनाई। एक भाषा बोलने के बाद दरबार में उस भाषा को समझने वाले विद्वानों को लगता था कि यही उनकी मातृभाषा है, पर वो विद्वान सारी भाषाएं अस्खलित बोलते थे। इस कारण से सचमुच उनकी मातृभाषा कौन सी है इसका सही जवाब दरबार में उपस्थित कोई भी सरदार नहीं दे पाया। विद्वान ने गौरव के साथ महाराज से पूछा, महाराज कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? ये सुनकर राजा ने सबकी ओर कटाक्ष भरी नजरों से देखा, सबकी नजरें झुक गईं। आखिरकार तेनालीराम और राजा की नजरें एक हुई। क्या तेनालीराम, क्या तुम भी नहीं पहचान पा सकते कि विद्वान की मातृभाषा कौन सी है? ऐसा नहीं है महाराज, ये महोदय अति विद्वान है। उनकी मातृभाषा जाननी हो तो कुछ समय और उनके सहवास की आवश्यकता है। नहीं तेनालीराम, वो समय और वो सहवास हम अवश्य आपको देंगे। आइए हम दोनों इस विजयनगर में घूमने चलते हैं, नहीं ऐसे आपको मेरा सहवास भी प्राप्त होगा और मैं विजयनगर देख भी पाऊंगा। अवश्य, किंतु महाराज एक विनती है, आप भी साथ चले। ठीक है चलिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। उसके बाद राजा, तेनालीराम और वो विद्वान दिन भर विजयनगर में घूमते रहे। चर्चा के दौरान विद्वान हर एक वाक्य के बाद अलग अलग भाषा में बोला करते थे। महाराज
दिन भर कड़ी धूप में घूमने के कारण जरा सा थक गया। आपको यदि कोई कष्ट ना हो तो जरा सा आराम कर लें क्या? अवश्य बैठते हैं। आओ तेनाली राम, बैठते हैं। जी महाराज। आपका ये शहर अति सुंदर है, मुझे बहुत ही पसंद आया। उसके अलावा हमारे राज्य में तेनालीराम जैसे विद्वान भी हैं। उनका भी बौद्धिक सौंदर्य प्रशंसा के लायक है। ओ माँ, मरी गयो। क्या हुआ? देखिए महाराज, आपके विद्वान तेनालीराम ने मेरे पाँव में कांटा घुसेड़ दिया। देखिए देखिए कितना रक्त बह रहा है। इतना बड़ा विद्वान और ऐसी साधारण हरकत शोभा नहीं देता। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, पर इस विद्वान महोदय की मातृभाषा गुजराती है। वो कैसे? वो कैसे? महाराज किसी प्रकार की वेदना होते ही मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही बोल देता है। इनकी मातृभाषा जानने के लिए मुझे इनको वेदना प्रदान करनी पड़ी महाराज। जी महाराज, मेरी मातृभाषा गुजराती ही है। वाह तेनालीराम, आप सचमुच अति बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि और चातुर्य के सामने मैं नतमस्तक हूँ। प्रणाम। चलो पहुंच गया अब तो घर के पास। अब घर जाकर भोजन करके आराम से सो जाऊंगा। गर्मी में दिन भर की यात्रा से बहुत थकान लग रही है। अरे बाप रे, ये पौधे तो सूखने लगे हैं। कल ही 2-3 लोगों को बुलवाकर कुएं से पानी निकलवाकर पौधों को देना होगा। अरे बाप रे, ये तो चोर लगते हैं। कोई चाल चलनी होगी। ठीक है। अरे वसुधा, ओ वसुधा। आ रही हूँ। अरे अरे सुन रही हो क्या? हाँ? अरे गहने, सुवर्ण मोहरे, चांदी की चीजें सब कुछ ठीक से संभाल कर रखा है ना? हाँ रखा है ना, पर तुम ये सब आज क्यों पूछ रहे हो? अरे आज दरबार में शहर के चोरों के चर्चे हो रहे थे। कहते हैं आजकल हर जगह चोर होते हैं। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा? मुझे लगता है हमें अपने सभी गहने और सुवर्ण मोहरे किसी सुरक्षित जगह छुपा के रखना चाहिए और जब जरूरत पड़ेगी तब बाहर निकालते रहेंगे। हाँ, पर ये गहने हम छुपाएंगे कहाँ? अरे अपने लोहे की बड़ी संदूक है ना? हाँ हाँ। उस संदूक में हम अपने गहने और मोहरे रखते हैं और उस संदूक को ताला लगा देते हैं। अच्छा। और फिर वो संदूक अपने बाग के कुएं में डाल देते हैं। वाह क्या मस्त युक्ति है। अब कितने भी चोर आए उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ। चलो चलो अंदर जाके माले पर रखी हुई लोहे की संदूक निकालते हैं। हाँ चलो चलो मेरी मदद करो। हाँ चलो। सुनो वसुधा, बाहर अपने बाग में कुछ चोर छिप कर बैठे हैं। हाँ? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, इसीलिए वो सुन सके ऐसी ऊंची आवाज से मैं बात कर रहा था। अब इस संदूक में पीसने का पत्थर भर देते हैं और ये संदूक कुएं में डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी आई मैं पिसने के पत्थर लेकर। जाओ जाओ। हाँ। जल्दी ले आओ। क्यों भाई, ये तेनालीराम तो बहुत ही चालाक है ऐसा सुना था। बिल्कुल, पर ये तो बिल्कुल मूर्ख लगता है। मूर्ख हो या चालाक,
अपना लाभ हो रहा है यही देखो पहले। चुप रहो चुप रहो। संभाल कर। अरे अरे पकड़ो जरा वहां से। संदूक बहुत ही भारी है। अरे ये तो बहुत ही भारी है। संभाल के मैं तो बस आ ही गया। अरे ठीक से पकड़ो ना। चलो उठाओ उठाओ उसे। फेंको फेंको नीचे। चलो एक चिंता दूर हुई हमेशा के लिए। अब चलो चलो अंदर जाकर सो जाते हैं जल्दी। आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ वसुधा। चलो चलो। देखो मैं अब कुएं में उतर रहा हूँ और वो संदूक अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, फिर तुम मुझे संदूक के साथ ऊपर खींच देना। अरे वो इतना आसान नहीं है। क्यों? संदूक उठाना उन दोनों के लिए मुश्किल था, तुम अकेले कैसे निकाल पाओगे? ये उसके बदले कुएं का सारा पानी खाली कर देते हैं। पानी नीचे गया कि संदूक बाहर निकाल कर गहने निकाल लेंगे। और संदूक में पत्थर भर के फिर से पानी में डाल देंगे। वाह 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 युक्ति अच्छी है। चलो चलते हैं जल्दी। कुएं का पानी खाली करने का तय करके सारे चोर पानी खाली करने में लग गए। एक के बाद एक करते हुए उन्होंने बड़ी मेहनत से पूरा कुआं खाली कर दिया। जल्दी खींचो। मुझे लगता है अब बहुत सारा पानी खाली हो गया है। चलो अब हम दोनों उतरते हैं। संभल कर संभल कर संभल कर संभल कर उतरो। अरे बहुत भारी है ये संदूक है ना। तेनाली राम की संदूक है ये, भारी ही होगी। अरे निपटो जल्दी, बोलो मत। चलो उठाओ ऊपर आओ। मेरे पांव पर गिरी संदूक। आहिस्ता चलो, तेनाली राम ने देख लिया तो कल की फांसी आज हो जाएगी। चलो जल्दी निकलो बाहर। चलो जल्दी करो, आवाज मत करो। चलो अब ये ताला खोलते हैं, यानी अपने उज्जवल भविष्य का द्वार भी खुल जाएगा। अरे खोलो खोलो जल्दी। अरे ये क्या, इसमें तो पीसने के पत्थर बने। यानी तेनाली राम ने हमें फंसाया है। अरे यहाँ से भागो जल्दी। तेनाली राम अच्छी तरह जानता है कि हम यहाँ चोरी करने आए हैं। भागो जल्दी, उसने हमें मूर्ख बनाया है। चलो चलो जल्दी भागो भागो भागो। उसके बाद बेचारे चोर जान हथेली पर लेकर भाग निकले। भागते हुए चोरों को देखकर तेनाली राम और वसुधा हंसने लगे, क्योंकि तेनाली राम ने चोरों को भी अच्छा सबक सिखाया था। और इसके अलावा खेत के सूखे हुए पौधों को पानी मिल गया था, वो भी बिना किसी मेहनत के। एक बार महाराज कृष्णदेव राय का राज्य स्थापना दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन की बातचीत के दौरान महाराज बोले, वाह क्या शान से मनाया गया हमारा राज्य स्थापना दिन। दो तीन देश के प्रतिनिधियों को छोड़कर कई देश के राजा या प्रधान उपस्थित थे महाराज। हाँ जी,
इसके अलावा सुंदर सुंदर भेंट भी उन्होंने हमें दी है महाराज। हाँ हाँ देखिए ना, ये फूलदान कितने सुंदर है। वो फूलदान किसने दिए है भाई? ये विलासपुर के राजा माधव सिंह ने भेंट की है महोदय। कैसी आकर्षक और कितनी नाजुक है ये फूलदानी, वाह। जी महाराज, किंतु महाराज इसे हमें बहुत ही संभाल कर रखना होगा। नहीं तो इसका सत्यानाश करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, है ना महाराज? हाँ हाँ सही है, इन फूलदानियों का तत्काल बंदोबस्त किया जाए। वेंकट। जी महाराज। वेंकट देखो, ये चार फूलदानियां हमें भेंट में मिली है, इन्हें ठीक से संभालना। जो आ गया महाराज। और एक बात, उन्हें साफ तो रखना ही, किंतु कहीं टूट न जाए इस बात का भी ध्यान रखना। तुम विश्वासु हो इसीलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं वेंकट। ये आपका बड़प्पन है महाराज। बाप रे, कहीं महाराज को पता चल गया तो? बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। महाराज 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 महाराज, राज स्थापना के दिन आपको भेंट में मिले हुए फूलदानों में से एक फूलदान वेंकट के हाथों टूट गई। क्या, एक फूलदानी टूट गई? जी। इस वक्त उस वेंकट को पकड़ो और बंदी बनाकर कल प्रातः उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। जी, जो आज्ञा महाराज। अब मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु आपने क्रोध के आवेग में वेंकट को जो सजा सुनाई है वो उसकी गलती की तुलना में बहुत ही कड़ी लगती है। आप जरा शांत मन से सोचिए महाराज। मुझे इस समय किसी के भी सलाह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किंतु महाराज, कह दिया ना एक बार, फांसी का मतलब फांसी ही। राजा के सामने अपनी एक भी नहीं चलेगी, ये जानकर चुप तो हो गए, किंतु अवरोध को मात ना दे तो वो तेनालीराम कैसे? वेंकट से मिलने तेनालीराम कारागृह पहुंचे, तब व्याकुलता से वेंकट ने कहा, तेनालीराम जी, फूलदान का टूटना सिर्फ एक अकस्मात ही था, वो तो बिल्ली का धक्का लगा था, उसमें मेरी कोई भूल नहीं थी। हाँ हाँ मुझे विश्वास है तुम्हारी बातों का वेंकट, वो फूलदानी तुमने नहीं तोड़ी है। तो ये बात आप महाराज को समझाइए ना, वे सिर्फ आप ही की बात सुनेंगे। नहीं वेंकट, वे इस वक्त मेरी कोई भी बात सुनने की मनस्थिति में नहीं है। तुम, हाँ तुम केवल मैं जो कहूं वो ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। ठीक है। सुनो, मैं जो तुमसे कह रहा हूं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए? ठीक है। अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है। हाँ वेंकट, बताओ ना तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? महाराज उसे अवश्य पूरी करेंगे। महाराज, मैंने प्रामाणिकता से आपकी सेवा की है, पर कल रात मेरे हाथों अक्षम्य भूल हुई, जिन फूलदानों के कारण आज मेरे प्राण विपदा में हैं, उन फूलदानों को आपकी उपस्थिति में देखने की मेरी इच्छा है। ठीक है, इसे ले चलो। चलिए राज पुरोहित जी। चलो। देख लो वेंकट, देख लो, जी भर के देख लो। अरे ये क्या हो रहा है वेंकट? तुम्हें जिस भूल के लिए फांसी की सजा सुनाई गई वही भूल तुमने दोबारा की है। जी महाराज,
अब इस भूल के लिए मुझे और 10 बार फांसी पर चढ़ाइए। देखिए देखिए कैसा मुंह चढ़ा है ये महाराज। इन 3 फूलदानियों को तोड़कर तुम्हें क्या मिला वेंकट? 3 मनुष्य का जीवन महाराज। मतलब? हाँ महाराज, अगर मैंने ये 3 फूलदानों को तोड़ा नहीं होता तो उनकी देखभाल कल कोई न कोई तो करता ही था, और उनके हाथों भी ये फूलदान कभी न कभी तो टूटने वाला ही था, और वे भी एक दिन फांसी पर चढ़ जाते। इन 3 फूलदानों को मैंने तोड़ दिए, इसी कारण से अन्य 3 मनुष्य के प्राण मेरे कारण बच गए हैं महाराज। मुझे क्षमा कर दो व्यंकट, क्रोध के आवेश में मैं तुम्हें तुम्हारी भूल की तुलना में बहुत ही कड़ी सजा दे रहा था। किसी भी फूलदानी से मेरे लिए मेरी प्रजा का, सेवकों का प्राण मौल्यवान है। छोड़ दो इसे वेंकट। वाह, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। महाराज, आपकी आंखें खोलने वाला मैं कौन? आंखें खोलने वाले तो ये हैं, आपके तेनाली राम जी। उन्होंने ही तो मुझे ये युक्ति बताई। शाबाश तेनाली राम, आज मेरे हाथों होने वाले एक बड़े पाप से तुमने मुझे बचा लिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। धन्यवाद महाराज। राज पुरोहित जी, अब तो निकालिए तेनाली राम की बात, या मैं निकालूं? नहीं नहीं, मैं करता हूँ। अरे सब चले आ रहे हैं आपके पास, और आप कहाँ देख रहे हैं? ओफो, करता हूँ, अभी करता हूँ। हाँ। आप सिर्फ बात निकालिए, फिर देखिए, मैं तुरंत ही उन्हें दूसरा देता हूँ। तेनाली राम को अगर फांसी नहीं हुई तो मैं समग्र विजयनगर के 200 चक्कर लगाऊंगा, वो भी उल्टे। उठिए अब। हाँ हाँ महाराज। क्या काम है राज पुरोहित जी? अब महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। ये तेनालीराम पापी है। हाँ, इन्होंने एक तपस्वी साधु की हत्या की है महाराज। हाँ महाराज। तेनालीराम, ये हम क्या सुन रहे हैं? जी महाराज, मैंने अपनी इन नजरों से सब देखा है। इनके कारण उस निर्दोष साधु के प्राण गए हैं। महाराज, उस साधु के प्राण गए वो सच बात है? अपने राज्य में एक निर्दोष मनुष्य की हत्या, और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों। अक्षम्य, अक्षम्य अपराध किया है तुमने तेनालीराम, इसकी कोई क्षमा नहीं है। किंतु महाराज, तुमने अपराध का स्वीकार किया है तेनालीराम, अब किंतु परंतु कुछ भी नहीं। तेनालीराम, तुम्हारे इस कृत्य से हमें अत्यंत दुख हुआ है, इसके लिए तुम्हें ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी कि देखने वाले ही नहीं, सुनने वाले भी सबक सीख जाएंगे। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इसे क्या सजा दे रहे हैं महाराज? हाँ हाँ, क्या सजा दे रहे हैं? सेवकों, इसी समय तेनालीराम को जंगल में ले जाओ, और उसका सिर्फ मस्तक बाहर रहे इस तरह जमीन में गाड़ दो उसे, और फिर हाथी के पांव तले कुचल डालो। महाराज, खत्म हो गया हमेशा के लिए तेनालीराम। अभी तो सजा भुगतना बाकी है। हाँ, अब इसमें कितना समय बचा है? राजा के आदेश के बाद तेनालीराम को जंगल में मस्तक बार रहे इस तरह गाड़ दिया गया, और जिन 2 सेवकों ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया था वो दोनों हाथी को ले आने के लिए चल दिए।
सुनो सुनो, आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? अरे मैं यहाँ जमीन के नीचे। तुम? हाँ। कौन हो तुम और तुम्हें इस तरह जमीन में किसने गाड़ दिया? अरे किसी ने मुझे गाड़ नहीं दिया है। तो मेरी पीठ पर भी तुम्हारी तरह एक कुबड़ था। हाँ? एक वैद्यराज ने बताया अपने आप को जमीन में गाड़ दो। हाँ? तो कुबड़ निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हो, वाह! अब स्वयं को गाड़े हुए 24 घंटे समाप्त हो गए हैं। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैं देख सकूंगा कि मेरा कुबड़ गया है या नहीं। ये बात है? हाँ ठीक है, अभी मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। हाँ। जल्दी। अगर इसे कुबड़ चला जाएगा तो मैं भी ये इलाज करूंगा। अरे अरे कमाल है, तुम्हारा कुबड़ तो बिल्कुल गया। तो फिर एक काम करो। क्या? अब मुझे भी यहाँ गाड़ दो। 24 घंटा अंदर रहूंगा तो मेरा भी कुबड़ चला जाएगा। वैसा ही करो तुम। आओ आओ जाओ, अंदर जाओ। आ जाओ। डालिए मिट्टी। हाँ, भी डालिए। हाँ, जरा फटाफट डालिए। हाँ डालो डालो। अब 24 घंटे। उस आदमी को जमीन में गाड़कर तेनालीराम चले गए। कुछ ही देर में एक मोटे हाथी को लेकर सेवक लौट आए। अब हाथी को जोर से भगाना चाहिए। नहीं नहीं, अरे ये हाथी का पांव है, आहिस्ता चलाना तो भी सर टूट जाएगा। अरे गणेश, शायद तेनालीराम नहीं है वहां। तेनालीराम नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हम ही ने तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। अब उनकी जगह दूसरे किसी का वहां होना ये संभव थोड़ा ही है। पहले नजदीक जाकर देखते हैं। हाँ। हकीकत क्या है? हाँ हाँ? देखा देखा, वो तेनालीराम नहीं है। क्यों भाई, यहाँ जिस आदमी को हमने गाड़ दिया था वो कहाँ गया और तुम यहाँ कैसे आ गए? इसके बाद गाड़े गए मनुष्य ने सारी बातें उन सेवकों को बताई। ये सुनकर एक सेवक ने कहा, अब तेनालीराम के चले जाने की बात कहीं महाराज को पता चल गई तो वे हमें ही यहाँ गाड़ देंगे। इससे तो बेहतर होगा कि हम इसे ही कुचलवा दें। अरे पर मुझे मार कर तो तुम और भी मुश्किल में फंस जाओगे। वो कैसे भाई? क्योंकि असली गुनहगार तो चला गया और तुम लोग एक निर्दोष की हत्या करोगे। हाँ, और ये दोनों बातों का महाराज को पता चलने में देर नहीं लगेगी। और एक बार महाराज को इस बात का पता चलने पर महाराज तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो जानते हो क्या? अरे बाप रे, अब क्या करें हम? चलो महाराज को सच सच बता देते हैं। हाँ हाँ, ये बातें चल रही थी तभी एक वृद्ध वहाँ आ पहुँचा और बोला, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? अरे बस इतना ही ना, बहुत सरल है। पर वो कैसे? लो सुनो, तुम अब जमीन में गाड़े हुए इस आदमी को छोड़ दो और जाकर महाराज से कहो कि तेनाली राम को जमीन निगल गई। अब वहां उसका कोई अता पता है ही नहीं।
ये तो अति सुंदर उपाय है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। महाराज, आज एक पापी जन का अंत होगा, ये तो हमारे लिए बहुत ही आनंद का दिन है। और वो हमें मानना चाहिए महाराज। कीजिए महाराज, कीजिए, अवश्य मनाइए। पर जिस गुनाह के लिए तेनाली राम को मारा गया, वो गुनाह हकीकत में कैसे हुआ, वो तो जान लीजिए। क्यों, क्या हुआ था उस दिन, और ऐसा कहने वाले तुम कौन हो? मैं तो एक साधारण मानवी हूँ महाराज, पर ये आपके कोटैया जी ने उस दिन की सारी घटना अपनी नजरों से देखी है। अच्छा? अब उनसे उनसे ही पूछिए ना क्या हुआ था। अर्थात महाराज, उस दिन उन साधु महाराज को तेनाली ने पानी में फेंक दिया और वे डूबकर मर गए। अच्छा, तेनाली ने पानी में फेंक दिया? नहीं, उन्होंने नहीं, पर उनके साथ गए हुए एक आदमी ने। हाँ, वो आदमी कैसा था? जो भी है सच सच बता दो अभी, नहीं तो तुम्हें भी हाथी के नीचे। नहीं, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ महाराज। तेनाली राम के साथ गया हुआ आदमी वो पागल था। इसके अलावा वो साधु भी अच्छा नहीं था। क्या? हाँ, वो लोगों को बेहोशी की औषधि देकर लूटता था। उसका भेद खोलने के लिए तेनाली राम आदमी उसी साधु के कारण पागल हुआ था, और उसी ने पागलपन के कारण साधु को पानी में धकेल दिया। ये बात तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताई? क्यों राजपुरोहित जी? नहीं, हम महाराज बताने वाले ही थे। हम बताने ही वाले थे। पर क्या, क्या उसके मृत्यु की राह देख रहे थे? महाराज, तेनाली राम को धरती निगल गई। क्या? धरती निगल गई, ऐसा ही कह रहे हो? ये क्या, ये भी तो वहीं थे उस वक्त। सेवकों के इस वाक्य को सुनते ही कुछ बात राजा की समझ में आई। उन्होंने आनंद से कहा, निगल लिए तो निगलने दो, मर गए तो मरने दो तेनाली राम को। क्यों महाराज? कुछ ही देर में समझ जाओगे, क्योंकि ये नए तेनाली राम है ना हमारे पास। तेनाली राम? आपने मुझे कैसे पहचान लिया महाराज? तेनाली राम, इन सेवकों को जंगल में मिलकर यहाँ सत्य असत्य का फैसला करवाने तुम्हारे सिवा कौन आ सकता है? वाह, मुझे अपना तेनाली वापस मिल गया। सवाल हो और जवाब गुम, ऐसे में हो अकल भी गुम। ज्ञानियों का ज्ञान जले या बादशाह का ध्यान ढले। हर संकट को दूर भगाने काम एक ही आता। तेनाली रामा,
तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा। कितने चोर लगा के दाव, सोचते लुट ले सारा गाँव, गावन लुटता धावन छुटता, क्यों हो ऐसा कोई न जानता, अकल लगा के जादू करता, चुप कर कोई अकेला। तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा। कहीं फंसे हो तेनाली है, गुम हसी हो तेनाली है, कहीं फंसे हो तेनाली है, गुम हसी हो तेनाली है, हर कोई इंसान यही है कहता, तेनाली है जी, तेनाली है, तेनाली है, तेनाली है। कोई भी इंसान जब हो परेशा, कोई भी इंसान जब हो परेशा, नाम एक ही लेता। तेनाली रामा, तेनाली रामा,